हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ टिकटॉक चैनल पे आप सबको वेलकम अच्छा तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आता है तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं उनका आंसर कर दें अब ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि ये पोलैंड के वर्क परमिट पर हैं इनके पास पोलैंड का वर्क परमिट है ये पोलैंड में काम कर का रहे हैं इस पर पुर्तगाल की फाइल लॉक करवा सकते हैं या नहीं करवा देखिए जी पुर्तगाल की फ़ाइल लॉक करने के लिए आप पुर्तगाल में आएँ सबसे पहला जो स्टेप होता है वहाँ पर आके जॉब ढूंढें जॉब ढूंढने के बाद आप अपनी फाइल लॉक कर सकते हैं सबसे पहला स्टेप है पुर्तगाल आना आप अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि जी उस वर्क परमिट की बेस पर फाइल लॉक होगी तो ऐसा नहीं है वो पर वर्क परमिट जो है आपको सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको पुर्तगाल में आने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं कि आप उसकी बेस पर पुर्तगाल आ सकते हैं जब आप पुर्तगाल में आ जाएंगे तो आपको आके काम ढूंढना है काम ढूंढने के बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे बेसिक जो फाइनेस नंबर है सोशल सिक्योरिटी नंबर है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं फाइल लॉक के लिए वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करने के बाद आप उसकी फाइल लॉक करेंगे पुर्तगाल में वेट करेंगे काम करेंगे अगर आपको पुर्तगाल की रेजिडेंस चाहिए तो पुर्तगाल में रहते हुए आप लीगली काम करेंगे वहाँ पर रहेंगे और तकरीबन आज कल दो से ढाई साल का टाइम लग रहा है इतनी देर में आपको वहाँ का रेजिडेंस परमिट इशू हो जाएगा तो ये तरीकाकार है पुर्तगाल से बाहर रहते हुए जो भी लोग पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए जी जितने भी लोग बाहर से करते हैं वो तमाम का तमाम काम इलीगल है तो लेटेस्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते हैं